अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं नाहिद यूसुफ और आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं आलू मूंगरे। उसके लिए मैंने मूंगरे लिए हैं आधा किलो, और आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं। मूंगरे इस शक्ल में होते हैं, ये मैंने काट दिए हैं, आधे आधे टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए चंद पीसेस इसमें छोड़ दिए थे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मूंगरे कैसे होते हैं। इन मूंगरों को आगे से यहाँ से और यहाँ से मैंने काट दिया था, नौकें तोड़ दी थी, और उसके बाद मैंने इन्हें मज़ीद पतले टुकड़ों में कर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें जो ज़रूरत है चीज़ें बनाने के लिए, वो हमने तेल लिया है 6 चमचे, नॉर्मल चमचे हैं। और उसके लिए हम लहसुन ले रहे हैं, लहसुन के जवे लिए हैं 10-12, उन्हें मैंने काट लिया है। एक मैं प्याज काटूँगी, उसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी। बाकी ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये राई दाना है, इसे राई दाना कहते हैं। ये राई दाना है, ये 1/4 चमची है, और ये 1/2 चमची सफ़ेद ज़ीरे की है। ये हम तमाम चीज़ें इस तेल के अंदर डाल के हल्की सी सौटी करेंगे, और उसके बाद मैं आपको चूल्हा जला के दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। इसमें नमक डाल रही हूँ, ये प्याज भी हम काट के इसमें डाल देंगे, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जनाब, मैंने प्याज को बारीक बारीक काट दिया है, और मैं इसको चूल्हे पर रखने लगी हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। देखिए जनाब, हमने चूल्हा जला दिया है, क्योंकि हमारी गैस नहीं आ रही, हम सिलेंडर पर काम कर रहे हैं। हमने चूल्हा जला दिया है, जैसे ही हल्का सा सॉटी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का सा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ना, अभी हल्का सा सॉटी हो गया है, इसमें हम अब देख सकते हैं आप, ये मूंगरे डाल देंगे। इसे जलाना नहीं है, ना प्याज को ना लहसुन को, इसमें डायरेक्ट डाल रहे हैं। ये मैंने अच्छी तरह धो लिए थे मूंगरे, इसी तरह आलू को भी मैंने धो लिया था अच्छी तरह, क्योंकि मैंने सब्जियों में अक्सर भूनती है। ये मैंने सारे काट लिए थे, चंद उनको मैंने छोड़ा था जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, क्या ज़बरदस्त लुक है इनकी। इसे मूंगरे कहते हैं। अब इसमें हम आलू डाल देंगे, इसमें मैंने आलूओं का पानी खुश कर लिया था। देख सकते हैं इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें 1 बड़ी चमची डाल रही हूँ, 1/2 चमची हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, ये भी तकरीबन 1/2 चमची, अगर कम लगे तो और डाल लीजिएगा, मिर्च भी और नमक भी। मैं आगे दिखाती हूँ आपको क्या करना है। हमने इसे मिक्स करना है, और उसके बाद इसे ढक देना है, इसमें पानी नहीं डालना है। ये हल्की आँच पर, दम वाली आँच पर पकेगा 10 से 15 मिनट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें और मैंने क्या करना है। बाकी मैं इसमें 6 अदद हरी मिर्चें भी डालने लगी हूँ, ये देखें ये मैंने डाल दी हैं, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसे मिक्स करने के बाद ढक देती हूँ। देखिए जनाब, मैंने इसे मिक्स कर दिया है, और आपने देखा होगा मैं अक्सर जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट सब्ज़ी का दोबाला हो जाता है। इसी भी मिर्चों से वो टेस्ट सब्ज़ी में नहीं आता जो कुटी हुई मिर्चों के साथ आता है, और ख़ासकर इस तरह की टाइप की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनके अंदर। तो मैं इसे दम लगाने लगी हूँ इसी के पास, उसके अंदर मैंने इसमें पानी नहीं डाला। इसे हल्की आंच पर आप रख देंगे, जैसे ही आलू गलेंगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये हमने बिल्कुल हल्की वाली आंच कर दी है, दम वाली, इस पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद देखिएगा तो आलू गल जाएँगे, फिर दिखाती हूँ आपको। देखेंगे ना आप, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और ये आलू तकरीबन गल गए होंगे, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये आलू गल चुके हैं। इसमें हम एक नींबू को निचोड़ देंगे, और फिर मैं इसको, ये मैंने नींबू निचोड़ रही हूँ मैं,
एक नींबू निचोड़ देंगे इसके अंदर हम। इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। और चूल्हे को आप बंद कर दीजिएगा। इसके बाद मैं दिखाती हूँ इसे मिक्स करके आपको। देखें जनाब, बेहतरीन किस्म का आलू मुंगरे तैयार है और ये फाइनल लुक में है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये बेहतरीन किस्म का आलू मुंगरे का सालन तैयार है। आलू मुंगरे की भुजिया कह लें इसे, आलू मुंगरे के का सालन कह लें, आलू मुंगरे की सब्ज़ी कह लें, ये तैयार है। और ये जितनी देखने में दिलकश है उतनी खाने में भी टेस्टी होगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार। हमें दुआ में याद रखा करें। हमारा कोई भी काम आपको अच्छा लगता है, हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताया करें हमारा आपको कोई काम जिनको कोई भी काम हमारा आपको कैसा लगता है। ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के आलू मुंगरे का सालन तैयार है। हमें दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह आपको और हमको हिदायत के रास्ते पर रखे और हमें भी हिदायत के रास्ते पर रखे और आपके हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।